वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की 21वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान संगठन के द्वारा पूर्व घोषणा के अनुरूप रेल रोको आंदोलन करने की योजना बनाई। यहां अपने इस रेल रोको आंदोलन को मूल रूप देने के लिए गुरुवार को नगर के बस स्टैंड से एक रैली निकाली गई। यह रैली रानी अवंतीबाई चौक से कालीपुतली चौक, कॉलेज रोड से अंबेडकर चौक होते हुए सीधे हनुमान चौक पहुंची, जहां से आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाएं रेलवे स्टेशन मार्ग की तरफ रेल रोकने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग के चलते वे ऐसा नहीं कर पाई। जहां आंदोलनकारी महिलाओं को आगे रेलवे स्टेशन की तरफ ना जाने देने के चलते आंदोलन में शामिल महिलाएं नाराज हो गई। उन्होंने हनुमान चौक में ही चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी समस्त मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। हनुमान चौक पर किए गए इस प्रदर्शन से चौक पर यातायात दबाव काफ़ी बढ़ गया और कुछ देर के लिए बालाघाट गोंदिया, गोंदिया बालाघाट मार्ग कुछ देर के लिए प्रभावित नजर आया। इस बीच मौके पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को समझाइश देकर चक्का जाम खाली करवाया और उन्हें स्टेशन मार्ग रोड पर बैठने की समझाइश दी, जहां वरिष्ठ अधिकारियों की बात पर भरोसा कर कुछ महिलाएं मान गई और उन्होंने अपना चक्का जाम आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन इस आंदोलन में शामिल कुछ महिलाएं इस समझाइश पर भी नहीं मानी, जो पुलिस को चकमा देते हुए गोंदिया मार्ग सरिका की तरफ से रेल रोको अभियान को सफल बनाने के लिए रेलवे स्टेशन जाने लगी। लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते आंदोलन से हटकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुई महिलाएं अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पहुँचने के पूर्व ही रोक दिया, जिन्हें वापस आंदोलन स्थल लाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी प्रदर्शन किया, लेकिन रेलवे स्टेशन परिसर में लगी पुलिस बैरिकेडिंग और रेलवे पुलिस बल और जिला पुलिस बल के द्वारा उन्हें रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर घुसने नहीं दिया गया, जिसके चलते महिलाओं ने वहीं ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव में काम करने की बात कही। सबसे पहले आपका धन्यवाद, प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब, पीआई साहब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारे पंडाल में ना तो शासन हमारी सूद लेने आया ना ही प्रशासन। हमारे जिले में 6 विधायक है और 2 मंत्री है। आज तक हमारे पंडालों में उन लोगों ने हमारी सूद नहीं ली कि आपकी मांग क्या है, जो कि हम लोग इतनी तेज धूप धूप में तपतपी में बैठे और हम लोग बहुत परेशान है। इसलिए अब हम लोग ने सोच लिया है कि रोज हम ज्ञापन निवेदन कर रहे थे और अगर वो ज्ञापन और निवेदन से मान जाते तो हम लोगों को आज इतना उग्र आंदोलन नहीं करना पड़ता। फिर भी हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी भी हमारी जायज मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम इससे बढ़कर उग्र आंदोलन करेंगे और भोपाल में तो इतना गंदा उग्र आंदोलन होगा कि लाखों की भीड़ हो जाए, जेल जाने तैयार है, जेल के दरवाजे खोलो, जेल भरो आंदोलन नहीं करते। चूंकि हमें कल सूचना मिली थी कि इस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी कोई 5 सूत्री मांग है जो कि प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, उसे पूरा करने के लिए इनका रेल रोको का कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि ये केंद्र सरकार के विषय है, रेल रोकी नहीं जा सकती, उन्हें समझाइश दी गई थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भी हमारी बात सुनी गई और उनके द्वारा इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया। हमें SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, हम उनकी मांगें ऊपर अपने अधिकारी तक पहुँचाएंगे।